स्टार्ट हो गया रिकॉर्ड। तो मैं तीसरा रूल था, ठीक है, तीन रूल था, चार थे, इसको आज खत्म हो जाएगा। फिर इसका बचेगा एक्टिवेशन पैसिव वाले, जब तो थोड़ा 15 तक खत्म हो जाएगा पूरा परमिशन, ठीक है। इसमें ध्यान में बताया क्या गया है कि एस्मेटिक सेंटेंस से असेटिक सेंटेंस बनाते समय यदि एस्मेटिक सेंटेंस में डालना व्हाट ए या एन, एन भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, एन भी आएगा और ए भी आ सकता है, या हाउ से प्रारंभ हो। यदि कोई एस्मेटिक सेंटेंस से असेटिक सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, हम पढ़ क्या रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से, ट्रांसफॉर्मेशन हाउ इज सेंटेंस से, ठीक है, ये तीसरा पांचवा है ना, पांचवा छठा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस क्या तीसरा रूल है, इसका चौथा रूल खत्म होगा, अभी बची है एक्टिवेशन पैसिव वर्ब, उसके बाद पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बोला एस्मेटिक सेंटेंस से जब असेटिव सेंटेंस बनाते हैं यदि इसमें क्या वाटे आ जाए या हाउ आ जाए, दूसरी आएगा तो क्या करते हैं, इसके दो नियम बताया गया है, तो एक ही नियम दूसरा नियम प्रमाण से लिखे हैं। यदि व्हाट के और हाउ के बाद कोई नाउन आ जाए, क्या जाए नाउन, तो क्या करेंगे व्हाट के और हाउ को ग्रेट में बदल देंगे, बदलेंगे किसमें ग्रेट में। यदि व्हाट के और हाउ के बाद कोई नाउन आए तो किसमें ग्रेट में, लेकिन एडजेक्टिव आ जाए तो वेरी बदल लेते हैं, किसमें बदल जाएगा वेरी में। यदि एडजेक्टिव आ जाए तो वेरी में, नाउन आ जाए तो ग्रेट में, ये ध्यान देना, नाउन आ गया है तो ग्रेट में, हल्ला नहीं शांति बैठ जाओ, ठीक है। अगर नाउन आ जाए तो ग्रेट में, नाउन आ गया तो ग्रेट में, और नाउन नहीं आए तो क्या करेंगे एडजेक्टिव आ जाए तो वेरी में, ठीक है। अगर एडजेक्टिव आ जाए तो क्या करेंगे वेरी में बदल देते हैं, लिखो दूर लिखो लिखो ए हल्ला नहीं चलिए, ठीक है, ठीक है। तो क्या करेंगे, आपको दो चीज देखना है, नाउन आएगा तो ग्रेट में बदल देना, अगर क्या आएगा नाउन नहीं आया एडजेक्टिव आ गया तो किसमें वेरी में बदल देंगे, ठीक है, दो नियम है। उसके बाद क्या, बदलने के बाद इसे एडजेक्टिव या नाउन से पहले लिखते हैं, क्या करते हैं इसे नाउन से या एडजेक्टिव से क्या करेंगे पहले लिखेंगे, ठीक है। देखो अर्थात देखो दूसरा नियम भी लिख दिए हैं, है तो यही दूसरा भी क्या गया, सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या करते हैं सब्जेक्ट लिखते हैं, तब बाद में वर्ब का प्रयोग करते हैं, इज एम आर कोई करते हैं, ठीक है, प्रयोग करते हैं, उसके बाद वेरी और ग्रेट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं नाउन या एडजेक्टिव लिखते हैं, वही खत्म हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन इसी बेस पे आएगा, क्वेश्चन जो है इसी बेस पे आपका आएगा, ठीक है, और आंसर आपको इसी बेस पे लगाना पड़ेगा, समझ रहे ना, आप जो आंसर लगाएंगे तो इसी स्ट्रक्चर के बेस पे क्या करेंगे आपको आंसर लगाना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं एस्मेट्री का, एस्मेट्री यहाँ पे है, जैसे मान लीजिए लिखा गया है यहाँ पे व्हाट ए प्लेयर, सचिन की, सचिन व्हाट ए प्लेयर सचिन ही है, सचिन क्या खिलाड़ी है, सचिन क्या खिलाड़ी है। अब ध्यान देना, हमने बताया था एस्मेटिक सेंटेंस मतलब होता क्या है कि अचानक क्या जो मन की भावनाएं होती है अचानक क्या उठे, ठीक है, और महसूस होते हुए क्या हो महसूस हो। अब मान लीजिए आपने क्या किया, सचिन को देखा, सचिन को देखा, ठीक है, सचिन क्या बढ़िया खेलता है, सचिन करता क्या है बढ़िया खेलता है, आप बोलेंगे ना व्हाट ए प्लेयर सचिन, सचिन कैसा क्या खिलाड़ी है, सचिन क्या खिलाड़ी है, लाजवाब के लिए होता है चीज। व्हाट ए और हाउ का प्रयोग कब करेंगे, जब कोई चीज को क्या मन की भावना उत्पन्न करेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है, तब क्या करते हैं इन चीजों को पढ़ाता है। हिंदी क्या होता है विस्मयादिबोधक वाक्य, आप किसी खिलाड़ी को देखेंगे क्या खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है तो समझ जाना, ठीक है, क्या मन की भावना उतर रहा है, नहीं बोलते कोई चीज देख ली और बोल दी व्हाट ए फ्लावर, व्हाट ए नाइस फ्लावर इट इज, कैसा फूल है, आपने बोला ना व्हाट ए नाइस फ्लावर इट इज, वो कैसा फूल है, बोल बैठ जाओ,
ठीक है, व्हाट इज नाइस फ्लावर इट इज, व्हाट इज प्लेयर। अब सबसे बड़ी बात है व्हाट इज के बाद जो आएगा उसको देखना है कि आया क्यों है, क्या आया है, नाउन आया है एडजेक्टिव आया है, सबसे पहले आपको उसको देखना है। कर दिया ये क्या आया है वैसे बताइए बैठे, व्हाट इज प्लेयर, प्लेयर क्या है, नाउन है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है नाउन है, एडजेक्टिव होता है उसका रंग रूप बताता है, गुड दोस्त बताएगा। ठीक है, हमने कह दिया, अब देखो यहीं कंफर्म कर लो, कंफर्म कर लीजिए यहीं पे, आप कंफर्म कर लीजिए यहाँ लिखा है सचिन इज ए प्लेयर, क्या सचिन इज ए प्लेयर, सचिन इज ए प्लेयर, सचिन एक खिलाड़ी है, सचिन इज ए प्लेयर, सचिन एक खिलाड़ी है। अब बताओ यहाँ पे प्लेयर है क्या, नाउन है, खिलाड़ी का नाम नहीं दिया है, खिलाड़ी का नाम यहाँ दिया है, दिया है। जब किसी का असली नाम हो इसे क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन, ठीक है। जब किसी का क्या बनावटी नाम हो, अच्छा कह सकते हो वो जाति का बोध कराए, ठीक है, वर्ग का बोध कराए, तो क्या वो कॉमन नाउन होता है, क्या होता है कॉमन नाउन। अब बताओ यहाँ सचिन क्या है, प्रॉपर नाउन है, किसी का असली नाम होगा तो क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन। अब प्लेयर क्या है, प्लेयर हम क्यों बोल दिए प्लेयर, देखो वो खिलाड़ी है, अब खिलाड़ी किसी का नाम होना चाहिए ना, कन्फर्म नाम दिया है तो क्या है ये कॉमन नाम है, ये क्या है कॉमन नाम, सचिन क्या है नाम हुआ ना, एडजेक्टिव नहीं हुआ, एडजेक्टिव वो होता है जो क्या संज्ञा सर्वनाम विशेषता होता है। हमने दो चीज बोला, या तो नाउन आएगा या तो एडजेक्टिव आएगा, या तो क्या जाए नाउन आ जाए या तो क्या जाए एडजेक्टिव आ जाए। नाउन आएगा तो चले जाए किसमें, ग्रेट में, किसमें ग्रेट में, किसको ग्रेट में करेंगे, व्हाट और हाउ को, अगर नाउन आ जाएगा तो मदद में किसमें, ग्रेट में। लेकिन वही बात कर रहा है एडजेक्टिव आ गया, आपको एग्जांपल देकर समझा दें सबसे आसान तरीके से, इसके बाद भी अगर गलती करते हैं तो जिम्मेदारी आपकी मेरी नहीं है। सचिन इज अ प्लेयर, सचिन एक खिलाड़ी है, ठीक है, सचिन कैसा खिलाड़ी है ये नहीं दिया है, नहीं दिया है, ए नाउन हो गया, क्या हो गया नाउन। अब ए नाउन आ गया तो क्या होगा, हाई बदल जाए किसमें, ग्रेट में, किसमें ये चला जाएगा और किसमें ग्रेट बदल जाएगा, ये नहीं हटेगा, ये वही रहेगा, ग्रेट के पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ए है, ए हमारी ए रहेगा या एन रहेगा, फिर क्या ग्रेट है, वेरी है, फिर नाउन एडजेक्टिव, अगर नाउन है तो ग्रेट लगाएंगे तो नाउन लिखेंगे, क्या अगर एडजेक्टिव है तो वेरी लगाएंगे और एडजेक्टिव लिखेंगे। ये सबसे आसान कॉन्सेप्ट है, अगर नहीं आएगा सबसे बेकार है, इसमें कोई बदलना नहीं हमको है। सबसे पहले क्या सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट पाने के लिए सब्जेक्ट क्या, या तो व्हाट क्वेश्चन करते हैं या तो हु का क्वेश्चन करते हैं, दो क्वेश्चन करते हैं, या तो करेंगे व्हाट का या तो करेंगे किसका, हु का। जितने निर्जीव होते हैं वहाँ क्वेश्चन किससे करते हैं, व्हाट से, ठीक है। लेकिन जितने सजीव होते हैं वहाँ क्वेश्चन किससे करते हैं, हु से। ये ध्यान देना, यहाँ सजीव और निर्जीव की बात होती है। सब्जेक्ट को पाएंगे सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट लिखा जाएगा। अब देखो क्वेश्चन करो, व्हाट, व्हाट होगा नहीं, सचिन है, क्या कौन खिलाड़ी है, सचिन। अब क्या खिलाड़ी है ये थोड़ी कहेंगे, निर्जीव चीजों के लिए होता है ना, कौन खिलाड़ी है, सचिन, सचिन को मनाएंगे क्या, असेटिव करते हैं, असेटिव बन रहा है ना। अब सचिन क्या हो गया, सचिन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब उसकी बारी आती वर्ब की, वर्ब क्या है, पे इज है, ये ध्यान दीजिएगा, इज हमारा कुछ भी आएगा, इज हो गया। हमको क्या करना है, ए लगाना है, ए लिखा है ना, हमने ए भी लगा दिया, इसको हटाएंगे नहीं, ये हटता नहीं है, ठीक है, ये अपने स्थान पर रहेगा, ये हट गया, ये हट गया, हट गया ना, समझ आ रहा है। पहले क्वेश्चन करना कौन, तो मिल गया सचिन, सचिन क्या है, सब्जेक्ट है। अब सचिन के बाद ही वर्ब आया है, इज लगेगा, स्टार्ट में लगा है, क्या लगा है, एक्सक्लेमेशन मार्क। और फर्स्ट टाइप पढ़े थे एलास वाला, तो क्या उसमें था, स्टार्ट एलास के बाद लगा हुआ था, ध्यान देना, दो प्रकार से आता है। तो हो गया सचिन इज ए, ये हो गया। अभी बदलेगा क्या, बदलेंगे ग्रेड बदलेगा, और व्हाट क्या हो जाएगा, ग्रेड बदला जाएगा। सब्जेक्ट भी लिख लिया, वर्ड भी लिख लिया, ठीक है, ए भी लिख लिया, वैसे आया तो लिखेंगे, नहीं आया तो बच्चे नहीं, हाउ में नहीं आएगा, हाउ में आएगा, हाउ में नहीं आएगा। आपको पहचानना पड़ेगा कि नाउन है एडजेक्टिव, अगर नाउन रहेगा तो ग्रेट बदल देना व्हाट को, और नहीं तो क्या, वेरी,
तो नाउन है आपके, तो क्या होगा ग्रेट। अब ग्रेट ग्रेटर आ जाएगा, ठीक है। जब ग्रेट हुआ तो क्या हुआ, हट गया सच की जो ग्रेट। अब बचा क्या प्लेयर, नाउन लिखना पड़ेगा। क्या बच गया प्लेयर। यदि किसी दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत तो वो सबसे आसान कॉन्सेप्ट बताया गया है। ये भी लिखा दिए हैं आपको, ये भी लिखा दिया गया है, दोनों लिखा दिया गया है, उसके बाद भी ना बना पाओ। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको समझ नहीं आया, ठीक है। ये नाउन वाला बताया है, अब एडजेक्टिव वाला देखो। ब्लॉक कर दो मैसेज कर रहा हूं, लिख लिए जा के पक्का। अब इसे थोड़ा बिठा ऊपर लिखिए, आवाज नहीं दूसरा दे लीजिए, एस्मेटिक सर के दूसरा। दूसरा कहता है एस्मेटिक सर के दूसरा, दूसरा ध्यान देना। यहाँ लिखा है व्हाट ए लवली, द रोज इज व्हाट ए लवली द रोज इज। अब ध्यान देना, इतना तो पहचान नहीं आ गया होगा, व्हाट के बाद ही क्या नाउन आएगा तो एडजेक्टिव आएगा। अब बताइए यहाँ व्हाट तो आया है, व्हाट आया है ना। अब बताइए खड़ी जाइए, अब बताइए लवली है क्या, एडजेक्टिव है। विशेषता किसी बता रहा है, रोज की वजह। रोज क्या है, नाउन है, ठीक है। रोज क्या है, नाउन है। शुक्ला बताइए नाउन कौन सा, बच्चा पूछिए तो कोई बात घटी बताइए, नाउन कौन सा नाउन है। रोज व्हाट टाइप का नाउन, रोज। रोज कौन सा नाउन है, कोई बोलेगा नहीं, कॉमन नाउन। कैन यू प्रूव दैट, साबित कर सकती हैं ये कॉमन नाउन है। गुलवा का नाम दिया है, गुलवा होता क्या है, नाम दिया ना। हम जब फ्लावर कहेंगे तो कॉमन नाउन है, लेकिन जब फूल का नाम ले लेंगे तो क्या होगा, प्रॉपर नाउन। सबसे बड़ी बात ये नाउन है, और नाउन विशेषता बता रहा है कि नाउन कैसा है। जब फूल है तो फूल कैसा है, प्यारा है, ठीक है। क्या प्यारा, प्यारा कर सकते हो। व्हाट इज लवली द फ्लावर, ठीक है। द रोज इज व्हाट इज लवली द रोज इज। ऐसे मान लीजिए आपने कोई फूल देखा, ठीक है, आपने क्या किया, कोई फूल देखा, अरे मान लो फूल है, हंसने बात नहीं है, समझने वाली बात है। आपने फूल देखा, अब फूल को देखेंगे तो आपके अंदर क्या भावनाएं उठेंगी, अच्छा फूल मानना है यहाँ पे मेरा बनाया हुआ, ठीक है। अरे कुछ भी हो, अरे कुछ भी सोचो, ये फूल है मानो, हंसो मत, फूल मानो, नहीं अरे तो फूल है, ये फूल है, मान लो ये रोज है, ये मान लो रोज है, ठीक है, मान लो फूल है, ठीक है, ये फूल है। अब फूल को देखोगे, हाँ एकदम बढ़िया एकदम, एक ध्यान में पड़े, ये फूल है ना, मानो ए अब फूल को आपने देखा, कोई फूल देखा पता, अरे क्या फूल है ना। अगर आपने कोई फूल देखा, आपको देखा ना हो, देखा तो हो लेकिन क्या उतना अच्छा नहीं देखा हो, तो कहेंगे अरे कितना सुंदर फूल है, तो मन में क्या भावना उत्पन्न होंगी, ठीक है। तो पहचान गए अब फूल की विशेषता। अब बोले फूल क्या है, प्यारा है, लवली है, सुंदर है। सुंदर भी होता है बच्चों, क्या प्यारा लवली सुंदर, सबका हिंदी क्या होता है, एक ही होता है। एग्जाम जब देंगे तो आपको पूछा जाएगा, आप पढ़ेंगे विशेषता, आप पूछेगा तत्व लक्षण गुण, पूछेगा ना तो बतिया क्या है, चाहे लवली कहो, चाहे प्यारा कहो, चाहे सुंदर कहो, चाहे मनमोहक कहो, बात कही है। तो फूल की देखो क्या क्या होता है, फूल जो होता है देखो एडजेक्टिव है। अब कैसे एडजेक्टिव है, हमने सिद्ध कर दिया यहाँ पे द रोज इज, ठीक है, लवली, ये सिद्ध कर लो, ऐ सिद्ध कर लो, देखो यहाँ सिद्ध किया द रोज इज लवली। अब बताओ सब्जेक्ट को पाने के लिए हमें हु का या व्हाट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, करेंगे ना, तो व्हाट करेंगे या तो हु का,
तो किसका करेंगे यहाँ पे? वाट का। तो जो फूल क्या है? निर्जीव है। फूल क्या है? निर्जीव है, सजीव नहीं है। ठीक है, जानना। अब क्वेश्चन करेंगे, क्या सुंदर है फूल सब्जेक्ट है ना, और पूरा लिखा जाएगा। अब जानना, अब लवली क्या है? एडजेक्टिव है। लवली क्या है? एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल ना लिख के, प्रीटी ना लिख के, नाइस ना लिख के लवली लिख दिया गया है। नाइस कहो तभी ठीक है, लवली कहो तभी ठीक है, प्रीटी कहो तभी ठीक है, ब्यूटीफुल कहो तब ठीक है। ठीक है, फूलों के लिए सब प्रयोग होता है, हैंडसम छोड़कर, क्योंकि ये फूल है ना, ये लव गुलाब है ना, खिलाड़ा कहाँ से हो जाए। सुंदर है, लड़कियों में आएगा जिन्हें पुस्तक में आता है ना, इसके लिए पुस्तक प्रयोग हैंडसम छोड़ कुछ लगा लो, ताकि लज्जा नहीं है। ठीक है, धनोट की लवली फूल सुंदर है। अब फूल विशेषता होता है, फूल कैसा है? तो एडजेक्टिव हुआ ना, तो ग्रेट में कि वेरी में, बहुत अच्छा वेरी। मतलब देखो, पहले पढ़ने मतलब नहीं, पढ़ लिया वो खत्म हो गया, जो कुछ है नहीं, लेकिन